लोकसभा चुनाव में दिल्ली में लगातार तीन बार सभी सातों सीट पर जीत दर्ज कर भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बना लिया है। दिल्ली के नगर निगम में 15 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद भी जब पिछली बार चुनाव हुए तब उसने लगभग आधी सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी सांगठनिक क्षमता का परिचय दे दिया, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी दिल्ली विधानसभा में 1993 के बाद आज तक कोई सफलता दर्ज नहीं कर पाई है। आज भी उसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने 26 साल का वनवास समाप्त होने का इंतजार ही है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव अगले साल जनवरी फरवरी महीने में हो सकते हैं। इस समय जबकि अरविंद केजरीवाल सरकार शराब घोटाले मामले में फंसी हुई है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे उनके बड़े नेता जेल में हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बार बीजेपी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटा सकेगी। लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली की सभी सीटें जीतने के बाद और दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले 7 जुलाई को दिल्ली बीजेपी ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अपनी विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक की। बैठक में 350 के करीब प्रमुख पदाधिकारियों के अलावा सभी बूथ अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया था। बैठक में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को शामिल करने का उद्देश्य उन्हें ऊर्जा से भरना था, जिससे वो अपनी संगठन की क्षमता का उपयोग केंद्र सरकार के कार्यों को जनता तक ले जाने के लिए कर सके। पार्टी ने इस बार अरविंद केजरीवाल की अलग अलग क्षेत्रों में कथित भ्रष्टाचार और असफलता को अपना हथियार बनाने का लक्ष्य बनाया है। बैठक शुरू होने से पहले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी के 26 साल के वनवास को खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया है। बीजेपी ने सभी 7 लोकसभा सीटें जीत ली हैं। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार से मुक्ति चाहती है। कौन सा सीएम जेल से सरकार चलाता है? बीजेपी पिछले 26 सालों से दिल्ली की सत्ता में नहीं रही है। अब हम इस वनवास को समाप्त करेंगे। तो ऐसे में आइए आपको सुनाते हैं कि वीरेंद्र सचदेवा ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और दिल्ली की जनता ने भरपूर आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। दिल्ली की 7 सीटों पर हमने विजय हासिल की है और उसी संकल्प को आज हम और सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली विधानसभा में भी एक बेहतर दिल्ली के लिए, एक स्वच्छ दिल्ली के लिए और दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वालों की सरकार बने, इस संकल्प के साथ आज ये कार्यकारिणी हो रही है। और निस्संदेह दिल्ली की जनता इस भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल सरकार से निजात चाहती है, मुक्ति चाहती है, उसका संकल्प लेकर आज हम यहाँ से निकलेंगे। देखिए, दिल्ली में 2 मुद्दे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम है जिसपे दिल्ली लोकसभा चुनावों में दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है, दिल्ली की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। अब अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार, आप बताइए ना, कौन सा मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाता है? पूरे प्रशासन को पंगु बनाने का काम कर दिया। आए दिन रोज भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लगातार दिल्ली को लूटने का काम हो रहा है। एक एक बूंद के लिए दिल्ली तरसती है, 2 घंटे की बारिश में दिल्ली जाम हो जाती है। तो ये दिल्ली है क्या? इसे दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने की जरूरत है। 26 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है। इस वनवास को खत्म करेंगे, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में होगी, केंद्र में नरेंद्र मोदी होंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब दिल्ली को संभालेगा तो निस्संदेह दिल्ली बेहतर दिल्ली बनेगी। दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली जैसी होनी चाहिए, वो विजन हमारे पास है। इसकी तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी और उसी की, उस विजय के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का काम आज इस कार्यकारिणी की बैठक में होगा। देखिए, यहाँ प्रदर्शनी माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन काल की भी लगी है। उनका पूरा जो जीवन बचपन से लेकर माननीय प्रधानमंत्री बनने तक उनका पूरा जो संघर्ष है वो दिखाया गया है। उसी तरह से दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने जो पिछले 15-16 महीनों में लगातार संघर्ष किया भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ, उसकी हमने यहाँ प्रदर्शनी लगाई है, जिससे कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं और उत्तेजित हैं कि हाँ, अब इस दिल्ली सरकार को हटाना है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ बुरी तरह असफल साबित हुआ। दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इसके बाद भी वो एक भी सीट नहीं जीत सके ताकि बीजेपी को रोक पाए, असफल साबित हुए। यहां तक कि कांग्रेस के बड़े नेता जेपी अग्रवाल और कन्हैया कुमार भी गठबंधन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं ला सके। इससे सबक लेते हुए कांग्रेस ने एक तरफा आम आदमी पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस से पहले आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव अलग होकर लड़ने की घोषणा कर दी। ऐसे में बीजेपी के लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है, जब गैर बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा, तब बीच में उसके लिए सफलता की संभावनाएं बन सकती है। हालांकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उभार के बाद
भारतीय जनता बिना गठबंधन के भी पूरी तरह दो खेमों में बट जाती रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपाई मतदाता पूरी तरह उनके साथ जुड़ जाते हैं तो गैर भाजपाई मतदाता पूरी तरह अरविंद केजरीवाल के साथ एकजुट हो जाते हैं। इससे कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली में होता है और उसे पिछले कई चुनावों में किसी एक सीट पर भी सफलता नहीं मिलती रही है, जबकि वोटों के ध्रुवीकरण के कारण बीजेपी को भी भारी नुकसान होता रहा है। हालांकि बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि इस बार भ्रष्टाचार में घिरी अरविंद केजरीवाल सरकार पूरी बुरी तरह अलोकप्रिय हो चुकी है और अब जनता उसका साथ नहीं देगी। बीजेपी का मानना है कि नगर निगम चुनाव में भी इसी वजह से उसे एक मजबूत सफलता मिली थी और अब विधानसभा चुनाव में भी वो अच्छी सफलता हासिल करने में सफल होगी। राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि दिल्ली में इस बार भी मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर पिछले चुनाव की तरह इस बार भी वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं तो केजरीवाल को इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों ने कांग्रेस के साथ अपनी एकजुटता दिखाई है, यदि उसी तरह की कोशिश दिल्ली विधानसभा में भी हुई तो कांग्रेस को इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो केजरीवाल को इसका नुकसान उठाना पड़ जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो वोटों में बिखराव से बीजेपी को भी लाभ मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन रणनीतिक वोटिंग करने के लिए मशहूर मुस्लिम मतदाता क्या रुख अपनाते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ की योजनाओं को लागू कर दिल्ली की स्थिति को बेहतर बनाने का काम किया, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान दिलाने की कोशिश की, वहीं कोरोना काल के दौरान केजरीवाल ने अपने आवास के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं लेने दिया। इससे यह साफ होता है कि केजरीवाल की प्राथमिक अपने स्वार्थ की थी, जनता की हित उनकी प्राथमिकता में कभी नहीं थी। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उन्होंने 40 साल तक दूसरे लोगों को चुनाव लड़वाने का काम किया था, इस बार पहली बार वो खुद चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे थे। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में 15,000 से 20,000 से ज्यादा वोटों के साथ जीत दर्ज की। इसके पीछे वजह केवल ये कि कार्यकर्ताओं ने ये चुनाव अपने कंधों पर उठा लिया और उन्हीं के बल पर ये बड़ी जीत मिली। दिल्ली के कार्यकर्ताओं से भी उसी तरह की जीत की कोशिश करने की अपील उन्होंने की और बीजेपी नेताओं की रणनीति से यह समझ में आता है कि उनका उद्देश्य कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित कर जनता के साथ जुड़ने की है। ये बातें कही। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और कैसे विपक्ष बीजेपी को रोकने की कोशिश करता है ये देखना भी अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।